गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक से मेरे सेल्फ यूनिक। गाइस आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टैड प्रो पे ईटैप्स पे डिज़ाइन करते हैं, फिर टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर पे डिज़ाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये डिज़ाइन इकोनॉमिकल बेसिस पर देखा जाए तो भाई बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा, उसमें लगता है कि प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कौन कौन सी गलतियाँ हम करते हैं या फिर कह सकते हो कि कैसा क्या क्या करें कि हमें बजट में एक अच्छी डिज़ाइन करके दे सके, इनके ऊपर आज के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और उसके बाद समझेंगे कि अच्छा हाँ यार ये गलती हम लोग से हो जाती है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गाइस आप सबको पता है कि आज के टाइम में अगर आप किसी को भी स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर कर रहे हो तो क्यों हायर कर रहे हो? मेन रीज़न है कि आपके मटेरियल की क्वांटिटी को कम करिए। मैं अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ और आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, मैं भी प्रोजेक्ट उसी रेट में मतलब उसी क्वांटिटी में डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें एक विदाउट इंजीनियर कर रहा है, क्या फर्क रह गया मेरे उसमें? और आप मुझे फिर 1,00,000 रुपये किस चीज़ के लिए दोगे? आप तो इसीलिए दे रहे हो ना कि मैं आपके मटेरियल को ऑप्टिमाइज करूँ, ठीक है? तो अब मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ इस चीज़ को समझो। ऑप्टिमाइज करने का सबसे जो सिंपल वे पहला वे होता है, पहला जो फोकस होता है गाइज, वो होता है कॉलम, ठीक है? कॉलम से आप क्या कर सकते हो, जहां जहां पे कॉलम की रिक्वायरमेंट है वहीं वहीं पर कॉलम को प्रोवाइड करो। एक्स्ट्रा कॉलम दोगे तो फिर आपको ज्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी, आपके अपने आप अपने आपकी मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, बहुत दूर दूर पे मटेरियल कॉलम मत लगाइए। अगर कॉलम बहुत दूर दूर पे प्लेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको लगता है कि मटेरियल बच रहा है बट मटेरियल नहीं बचेगा, उल्टा बीम में उतना मटेरियल कवर हो जाएगा, डेप्थ बढ़ जाएगी बीम की। आपकी पता है जितना स्पैन बढ़ेगा उतना डेप्थ बढ़ जाएगा, तो वो ओवरऑल ओके वही होगा और इवन आप उतना स्ट्रेंथ भी नहीं पाएंगे जिस स्ट्रेंथ की आप उम्मीद कर रहे हो। तीसरी जो जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी को भी देख रहे हो कि इधर से अगर हमारे पास ज़्यादा फोर्स आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल इफेक्ट आ रहा है, लैटरल इफेक्ट आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लैटरल एक ही होता है, इफेक्ट्स आ रहा है, तो बेटर वे है कि कई ढेर सारे कॉलम लगाने से अच्छा है एक शियर वॉल प्रोवाइड कर देने का। क्या प्रोवाइड कर देने का? एक शियर वॉल प्रोवाइड कर देने का, तो उसे क्या होता है, टेंशन ही खत्म, वो लैटरल लोड को भी संभाल लेगा, ट्विस्टिंग को भी कंट्रोल कर देगा। तो शियर वॉल एक इफेक्टिव प्राइस होता है अगर आप G+4 G+5 का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो किसी भी जिस डायरेक्शन में आपको लगता है प्रेशर ज़्यादा आ रहा है उसको। जो पांचवी चीज़ होती है वो होती है लोड कॉम्बिनेशन। गाइस लोड कॉम्बिनेशन आप एक्स्ट्रा मत लगाओ, ठीक है? अगर जोन 2 जोन 3 में हो तो आप 1.25 1.2 का भी लोड कॉम्बिनेशन लगा के अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने कर दिया ऑटो जनरेटेड लोड कॉम्बिनेशन तो कोई गलती नहीं है, बट वो फिर क्या करेगा, सेफ्टी ज़्यादा ले लेता है, तो सेफ्टी जब ज़्यादा ले लेगा तो मटेरियल आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बेटर वे है कि आप खुद से लोड कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर लो, 1.5 1.2 1.25 का कॉम्बिनेशन लगाओ जिससे कि कम से कम आपका मटेरियल लगे। और उसके साथ ही साथ डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर फोकस करो कि हर जगह पे स्पैन लॉन्गर ना हो जिससे कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना है, क्योंकि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, क्या, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए डेप्थ प्रोवाइड करोगे, मटेरियल तो आपका चला गया, तो बेटर वे है कि आप डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हुए मेंबर के साइज पे फोकस करो, ठीक है जी। छठवीं चीज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत करो। अगर आपको बजट में बनाना है तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग जो होगा मटेरियल्स भी उसमें ज़्यादा ही लगेगा। तो आप ट्विस्टिंग पर अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप अच्छे तरीके से सेव कर सकते हो अपने मटेरियल की क्वांटिटी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ सही तरीके का फाउंडेशन का चुनाव, ठीक है? अब आपको अगर सिंपल सा अच्छा खासा वहाँ पर अगर सॉइल कंडीशन है और वहाँ पर आप पाइलिंग करवा रहे हो तो डेफिनेटली पाइलिंग में आपको ज़्यादा खर्च गिरने वाला है, क्योंकि अब डेफिनेटली पाइलिंग करवाओगे तो पाइलिंग अगर 2 पाइल का करा रहे हो या फिर 4 पाइल का करा रहे हो तो आपका एक्सपेंडिसेस बढ़ जाएगा। आप नॉर्मल आइसोलेटेड फुटिंग से अगर आपका काम हो सकता था तो यू कैन गो फॉर दैट ना, तो आइसोलेटेड फुटिंग यूज करो। लोड ज़्यादा है तो आइसोलेटेड में स्लोप आइसोलेटेड यूज कर लो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है? तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे सेस्मिक लगा रहे हो तो अगर आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, फ्रंट और बैक लगभग लगभग सेम है, तो केवल एक डायरेक्शन से अर्थक्वेक लगाओगे तो आपको ज़्यादा आपके मटेरियल को सेव कर सकते हो। दोनों डायरेक्शन से लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा ले लेगा, सेफ्टी ज़्यादा ले लेगा तो फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी जो आपके फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। कभी कभी आप देखोगे कि डिज़ाइनिंग जब आप कर रहे हो कॉलम का या फिर बीम का, तो ऊपर वाले फ्लोर पे आपको कॉलम में दे रहा है 16 mm के 4 बार और नीचे वाले में दे रहा है 20 mm के 4 बार्स, ठीक है? कितना दे रहा है, 20 mm के 4 बार, ऐसा कभी कभी देता है स्टैड प्रो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 16 mm के 4 बार अगर आपको लगता है 1.2% या 1.1% के आसपास है
तो उसी को कंटिन्यू करो, आपको 2.4% स्टिल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप डिटेलिंग करोगे तो जो ऊपर की ड्राइंग आपका आया था 16mm के चार बार, उसी को यूज करो और उसी से आप डिटेल करके उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। दीज आर सम फैक्टर्स जिनको फोकस रखना पड़ता है। साथ ही साथ सजेस्ट करूंगा कि इन सबको जो भी आपके डिजाइन आए आप एक्सेल पे एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए कि जो मैनुअल के जो फॉर्मूलेज हैं उन पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या इक्विवेलेंट जा रहा है, क्या एक्स्ट्रा तो नहीं जा रहा है। एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है तो वेल एंड डन, आप इसको कंटिन्यू कर दो। एक्स्ट्रा जा रहा है तो थोड़ी बहुत एक्सेल के डाटा को भी यूज करके उसको एडिट किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली हर जगह पे ऐसा नहीं है कि केवल सॉफ्टवेयर का डाटा ही आप पुट करके सेम टू सेम रिजल्ट निकाल देंगे, एडिटिंग रिक्वायरमेंट होती है। होप आपको ये वीडियो में काफ़ी हेल्प मिला होगा कि भाई बहुत कुछ एडिट भी करना पड़ता है, लोड कॉम्बिनेशन भी संभल के लगाना पड़ता है। लोड एक्स्ट्रा मत लगाओ, जितना एक्स्ट्रा लोड लगाओगे उतनी सेफ्टी लेगी आपका स्ट्रक्चर, और जितना सेफ्टी लेगा उतना ज़्यादा आपका जेब खाली करेगा। तो फिर आप उस हिसाब से सेव कर सकते हो अपने स्टील को अगर आप सही तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आपको मेरे टिप्स हेल्प किए होंगे, आगे आप इनको यूज करना अपने लाइफ में तो डेफिनेटली आपको काफ़ी यूजफुल होगा। जय हिंद, जय भारत।